फैमिली को मारा, पापा को मारा, बंटू को मारा, बहनों को छोड़ा, मामा मामी को मारा, सबका बदला लूंगा मैं। संध्या, ये तुम्हारी बेटियां स्वीटी मीठी, स्वीटी मीठी, ये तुम्हारी मम्मा। ये पंटू हमारा दूसरा बेटा, वीर। हाँ? अब पूरा परिवार साथ है, अब हम सब एक साथ घर जाएंगे। हाँ दीदी। नहीं अमन, मैं साथ में नहीं आ पाऊंगी, मुझे दूर रहना होगा। बाकी मैं इंसानियत की, समाज की भलाई कर सकूं, अपनी शक्तियों को उनके भले के लिए यूज कर सकूं, और जिस पंथ ने मुझे ये सब दिया है उनके साथ मैं धोखा नहीं कर सकती। और उनका नियम है परिवार से दूर रहना। ये क्या बोले जा रहे हो आप? हाँ, हमें तो लगा था कि आप इतने दिनों बाद आप मिले हो, अब कहाँ जाने की बात कर रहे हो दीदी? मामा।
प्रॉमिस किया है मुझसे, तो उसे पूरा करो। स्वीटी मीठी वीर, इन्हें नहीं पता मां क्या होती है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। मम्मा, हमने पहली बार आपको साथ में देखा है और आप ऐसे में छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। प्लीज मत, प्लीज मत जाओ ना मम्मा, मत जाओ कहीं पे मम्मा, प्लीज। मैं हमेशा हूँ तुम सबके साथ, सब हम साथ रह नहीं सकते। तुम नहीं समझो कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। झूठ बोल रही हैं आप, किसी से भी प्यार नहीं करती। और अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा हमें न जाने कब से थी। चलो वीर, दिखाओ क्या कर सकते हो। जब रुकना ही नहीं था तो वापस क्यों आई आप? जितने साल आपके बिना जी लिए, आगे भी जी लेंगे। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छी, क्या क्या बोल रहा है तू? जा सकती हैं आप, जा सकती हैं आप। हमारी जिंदगी में लौट कर वापस आने की जरूरत नहीं है। अद्भुत, अद्वितीय। जाओ वीर जाओ, अत्यंत दुखदायी दृश्य है ये। वीर वीर, ये रहा हलाहल। अब तुम खुद अपने आप ही हलाहल जैसे विषीले हो जाओगे। तुम में वो सब गुण या अवगुण आ जाएंगे जो एक असुर में होते हैं, और एक बार तुम असुर बन गए तब तुम्हें शक्ति का असली महत्व समझ आ जाएगा। मीठी मीठी हम लोग घंटों यहां पर खड़े रहते थे, तारों को देखते रहते थे, और फिर आपको याद किया करते थे।
मैं लोगों से कहता था कि पापा कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्स में इन तारों के बीच में समय दिख नहीं रहे। और आज सारा और शिवाय इन्हीं तारों के बीच कहीं खो गए, नहीं दिखाई दे रहे। जो होना होता है ना बेटा, वो कहीं रहता है। होनी अनहोनी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब उसने लिखा है। भगवान, नियति, हमारी लाइफ में कौन कब आएगा, कितनी देर के लिए आता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्यों आता है। अक्सर हमें नहीं पता होता कि वो क्यों आया हमारी लाइफ में, लेकिन वो सब जानता है। वो उस क्यों को हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भेजता है, कभी अच्छाई से तो कभी बुराई से। जिनके साथ अच्छा वक्त बिताया होता है तो यादें रह जाती हैं, और जिनके साथ वक्त बुरा बीता होता है तो रह जाते हैं जख्म। आपको तो पता भी नहीं है पापा कि आपके साथ क्या हुआ था। आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, आपको तो किडनैप किया गया था। पर मां, उन्हें तो किसी ने ही किडनैप किया था ना, तो फिर वो हमारे पास वापस क्यों नहीं लौट कर आए? ये उनकी चॉइस थी, उनका डिसीजन था। उनका डिसीजन था कि एक मासूम से बच्चे के ऊपर दो और मासूम बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर गायब हो जाना। और मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी पापा। मुझे तो रातों रात उस छोटे से मासूम बच्चे को मारकर एक बड़ा जिम्मेदार भाई बनना पड़ा, जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं स्वीटी बीटी को देता था, आज मैं हीरो हूं पापा, लोगों को बचाता हूं, पावर्स है मेरे पास। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे वो छोटा सा मासूम वीर खिड़की के पीछे खड़ा दिखाई देता है। उसके सवाल मुझे डरा देते हैं। वो पूछता है मुझसे कि माँ, हमें इतना स्ट्रगल करते हुए, हमें इतना सफर करते हुए देखने के बावजूद भी कभी हमारी जिंदगी में वापस क्यों नहीं आई? क्या उन्हें हमारा स्ट्रगल, हमारी प्रॉब्लम्स कभी दिखाई नहीं दी? सब जानते हुए भी कि उनके बच्चे इतना सफर कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में लौट कर वापस क्यों नहीं आई पापा? क्यों नहीं आई? उस मासूम बच्चे के सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं है वीर। मैं बस इतना जानता हूं, तूने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए तू हीरो है। और संध्या के लिए क्या कहूं बेटा, शायद यही उसकी नियति थी, यही कर्तव्य है उसके जीवन का। जैसे तेरा है लोगों की रक्षा करना, उनकी मदद करना, ऐसा नहीं है कि तूने सेक्रीफाइस नहीं किए, बहुत कुछ खोया है तुम्हें। ये भी तो नहीं कह सकता ना कि उसने कुछ नहीं खोया। वीर बेटा, संध्या ने बहुत कुछ खोया है, तो मरी गई थी तो पंत ने बचा लिया, वरना वीर उसके बचने की कीमत है ये, उसे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। और वो भी तो यही कर रही है, लोगों की मदद। जानता हूं बेटा, इस वक्त ये सारी बातें बेमानी है वीर। अच्छा, वो इंग्लिश में कहावत है ना, पीस डिमांड्स द मोस्ट हेरोइक लेबर एंड द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्रीफाइस। लड़ना आसान है, लेकिन बिना लड़े शांति अमन कायम रखना
की नहीं, सुपर हीरो की जरूरत होती है। मेरा सुपर हीरो बेटा, लो एक बाइट। खा लूंगी पापा, लेकिन एक शर्त पे। आपको मम्मा के बारे में और कुछ भी बताना होगा। पापा को लगता है ना मम्मा हमसे उतना ही प्यार करते हैं। पापा, मम्मा हमारे साथ यहाँ पे क्यों नहीं रह सकती, हम सबके साथ। पापा, हम दोनों को उनकी जरूरत है। इनफैक्ट वीर भैया को भी उनकी जरूरत है। बचपन से लेकर अब तक वीर भैया ने हमारे लिए सब कुछ किया पापा। दिस इज नॉट फेयर ना, हम तीनों को उनकी जरूरत है पापा। प्लीज ना, प्लीज पापा। मुझे नहीं खाना अब और। इतने सारे सवाल है हमारे मन में पापा, दिमाग फट रहा है मेरा। स्वीटी मिठी बेटा, हम है ना, तुम्हारी मम्मा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो नहीं आ सकती अपनी फैमिली के पास, बताया था ना उन्होंने। बेटा ऐसा नहीं कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से बिल्कुल ही अलग है, मतलब ऐसा समझ लो कि वो आसपास ही है हमेशा तुम लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उनका साथ रहना मुमकिन नहीं। इसलिए एक्चुअली लुक एट द ब्राइटर साइड, अब तुम दोनों के पास डबल डबल पापा हैं, हम लोगों से ही फुर्सत नहीं मिलने वाली है ना। मामा जी वो माँ है हमारी। भैया आप तो बहुत गुस्सा होंगे ना। भैया प्लीज एक बार उनसे प्यार से बात करके देखो ना, एक बार ट्राई करके देखो ना उन्हें वापस लाने की। पापा भी हमारी जिंदगी में नहीं थे ना, लेकिन आज वो वापस आ गए, तो मेरे ख्याल से हमें उनकी वैल्यू को समझना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारी जिंदगी में है उनकी वैल्यू को समझो, जो नहीं है उनके बारे में सोच कर या उनको वैल्यू देकर कोई फायदा नहीं है। अरे बच्ची यार, इतनी एंग्री वर्ड्स है ये, फिलहाल थोड़ी सी सैड वर्ड्स है, समझा ना आराम से। वही तो समझा रहा हूँ इन्हें बंटू, कि उनके लिए रो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जिन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। हमारी माँ है जो हमें अपना कहती है, पर हमारी जिंदगी में रहना नहीं चाहती, वापस नहीं आना चाहती। एक वो लोग थे सारा, शिवाय सारा ने हमारे लिए अपनी जान तक दी थी, शिवाय ने बस सब कुछ लुटा दिया हमारे लिए। अगर याद करना है तो उन्हें याद करो। स्वीटी मी, पापा क्या हो रहा है, सब कुछ अजीब लग रहा है, सब साथ में है लेकिन फिर भी अधूरा अधूरा। वहां भी वापस आ गए हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रह रही हैं। सोचा था शायद अमृत से शिवाय की कुछ हेल्प हो जाएगी, उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी, पर पता नहीं अमृत कौन ले गया।